की गई है। याचिका में पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराए जाने की मांग की गई है। 5 मई को हुई नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही साथ याचिका में दोबारा नीट परीक्षा कराए जाने की मांग की गई है। नीट के नतीजों पर रोक लगाने की मांग की गई है। नई याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले ही ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और अब बताया जा रहा है कि एक फ्रेश याचिका लगाई गई है, यानी कि एक नई याचिका दाखिल की गई है इस पूरे मामले में, जिसमें ये कहा गया है कि मामले की जांच एसआईटी से होनी चाहिए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे मामले की जांच करे। साथ ही साथ नीट के नतीजों पर रोक लगाने की मांग की गई है। परीक्षा पुनः कराए जाने की भी मांग की गई है। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं, लीगल एडिटर। आशीष, क्या ये फ्रेश याचिका है? क्या है इस याचिका में? देखिए, दरअसल तेलंगाना के रहने वाले अब्दुल फैज और उनके एक सहयोगी ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। ये दूसरी याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। इससे पहले एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में एक नीट की तैयारी करने वाली छात्रा ने दाखिल की थी। इस याचिका में 4 अहम बातें कही गई हैं। पहला, नीट की जो परीक्षा 5 मई को हुई थी उसे रद्द किया जाए। दूसरा, नीट का रिजल्ट जो 4 जून को आया था उसे रद्द किया जाए। तीसरा, नीट के 4 जून के रिजल्ट के आधार पर जो काउंसलिंग होने वाली है उस पर रोक लगाई जाए। और पांचवा, पूरे मामले की जो जांच है वो एसआईटी से कराई जाए और उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाए। तो ये 5 अहम मांगे इस याचिका में की गई हैं। इससे पहले देश के 3 अलग अलग हाईकोर्ट में भी नीट के एग्जाम को लेकर याचिका दाखिल की गई है। एक दिल्ली हाईकोर्ट, दूसरा कलकत्ता हाईकोर्ट और तीसरा जबलपुर हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में एनटीए से जवाब मांगा है। जबलपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई है और मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में जितनी भी याचिकाएं देश के अलग अलग अदालतों में दाखिल की गई हैं उन सबका ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट अपने पास करेगा और एक साथ सभी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगा। बिल्कुल, और मामला चूंकि सीरियस भी बहुत ज्यादा है, बच्चों के भविष्य किससे जुड़ा यह पूरा मामला है अभ्यर्थियों के, और नाराजगी बहुत ज्यादा देखने को मिली, सुसाइड के केसेस भी सामने आए, रिजल्ट जब रिलीज हुए धांधली किस तरह से हुई है हम सबने देखा। आशीष, चूंकि ये दूसरी याचिका, इससे पहले जो याचिका दाखिल की गई थी उसका स्टेटस क्या है? देखिए, उम्मीद ये है कि वो जो याचिका है वो इस हफ्ते सुनवाई के लिए आ जाएगी। जो सबसे बड़ी बात है वो ट्रांसपेरेंसी का ना होना, और यही वजह है कि लोग जो है वो अदालत की चौखट पर आ रहे हैं। नीट में ने जब रिजल्ट जारी किया था 4 जून को, तब 719-718 अंक दिए गए। जब उसको लेकर बवाल हुआ तो उनकी तरफ से क्लेरिफिकेशन आया कि हमने ग्रेस मार्किंग दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आपको ग्रेस मार्किंग देनी ही थी तो आपको उसी समय रिजल्ट के साथ ही ये बताना चाहिए था कि इस बार हमने ग्रेस मार्क दिए हैं। दूसरी जो सबसे अहम बात है जो छात्रों के मन में सवाल है कि ग्रेस मार्किंग का पैमाना क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 28, 100 कितना है, कितना नंबर दिया है इसके बारे में नहीं बताया गया। जो तीसरी अहम बात है कि हरियाणा के झज्जर से एक सेंटर है जहां पर जो नीट ने रिजल्ट जारी किया था उसमें 62 से लेकर 68 यानी 720 नंबर जिन छात्रों को मिले हैं वो उसी सेंटर से हैं। चौथी अहम बात कि जो ग्रेस मार्क दिए गए हैं वो केवल 4 स्टेट्स को ही क्यों दिए गए, यानी दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और पंजाब। दूसरी जगह यानी अगर बख्तियारपुर की ही बात कर ले तो वहां भी एग्जाम देर से शुरू हुए थे, तब उन्हें क्यों नहीं ग्रेस मार्क दिया गया। पांचवी अहम बात, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसके आधार पर ये ग्रेस मार्क दिया गया था वो 2018 के ऑनलाइन एग्जाम का फैसला था और ये ऑफलाइन एग्जाम था, तो ऑफलाइन एग्जाम में ग्रेस मार्क देने की क्यों जरूरत आन पड़ी? बिल्कुल जाहिर है, लूप होल्स कई जगह हैं, कई खामियां सामने आई, ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी को लेकर सीधे तौर पर बड़े सवाल हैं। सरकार की ओर से भी इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन याचिका जो नहीं लगाई गई उसमें ये मांग है कि एसआईटी जांच हो। आशीष, शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर अगली आपको बता दें, पाकिस्तान ने भी पीएम मोदी का लोहा